हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपसे इस गलार्डिया फ्लावर प्लांट के बारे में बात करूंगी। बहुत ही प्यारा फ्लावर प्लांट है, बहुत ही अलग अलग रंगों में आता है। तो मेरे पास यही है फ्रेंड्स। ये वैसे तो गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग कर रहा है और खूब फ्लावरिंग हो रही है इस पर। और बर्ड्स भी देखिए फ्रेंड्स, खूब आ रहे हैं। और ये हेल्दी भी बहुत है मेरा प्लांट। वैसे एक इस तरफ झुक गया है क्योंकि इसके बहुत हैवी पत्ते हैं, ये देखिए। तो इस तरफ इसका झुकाव हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, मिट्टी से वही वेल ड्रेन चाहिए। अगर आप गमलों में लगा रहे हो गार्डन में, तो आप किसी भी सॉइल में ये चल जाता है, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो गमले में लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स, इसे वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगाएं, और जिसमें एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल ले लें और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट आप कोई भी ले लें, बर्मी कंपोस्ट ले लें, या आप ले लें गोबर खाद की डीकम्पोजरी वो खाद ले लें, और एक हिस्सा रेत मिला लें इसमें। तो उसमें ही इसको लगाएं फ्रेंड्स, क्योंकि गमलों में वेल्ड्रन मिट्टी बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट लगा रहे हो तो उसको वेल्ड्रन मिट्टी ही चाहिए, जिससे पानी जल्दी से आपका नीचे से ड्रेन हो जाए। तो फ्रेंड्स, पानी की बात करें, इसको पानी इसको बहुत पसंद है, पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। सर्दियों में भी मुझको इसमें डेली पानी देना पड़ता है, और गर्मियों में तो फ्रेंड्स इसको पानी की ज़रूरत है। गर्मियों में तो आप दो बार भी दे सकते हैं पानी इसको, तो सर्दियों में भी आप इसको शावरिंग भी कर दें इसके ऊपर, और इसके और प्लांट में पानी भी दे दें। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट ही रखें, क्योंकि इसको पानी बहुत पसंद है। तो धूप की बात करें, आप इसको धूप में रखें, या हल्की जहां आपके 4-5 घंटे की धूप आती हो वहां रखें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और इसको खाद की भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो आप साल में, वैसे तो है मेरा अभी तक चल रहा है, मैंने इसको अप्रैल में ग्रो किया था, तो मेरा अभी तक चल रहा है इसमें। आप मैंने इसमें फरवरी में भी दी थी खाद, डीकम्पोजरी गोबर खाद, और सितंबर में भी दी थी फ्रेंड्स। तो आप इसमें खाद दें, और हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मस्टर्ड केक और गोबर खाद का बनाते हैं, वो भी आप इसमें डालें। और प्रोपगेशन फ्रेंड्स, इसके नीचे से पब्स आप निकाल के उनको सेपरेट करके अलग लगा सकते हैं, और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और वरना नहीं तो आप फ्रेंड्स इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इसका यहाँ पर इसको अभी सीड पॉट बन जाएंगे, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, ये बहुत बंचेस में फ्लावर करता है। मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं इसके, वो अभी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं सभी के सभी प्लांट्स। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो एक प्लांट ये है फ्रेंड्स, ये देखिए इस पर भी बहुत बर्ड्स आ रहे हैं, और ये देखिए इस पर फ्लावर भी बहुत आए हुए हैं, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।